गद्दार पाकिस्तान कर रहा है हिंदुस्तान में हमले की तैयारी। कीदड़ पाकिस्तान का गजनबी षड्यंत्र। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। बौखलाए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ एक बार फिर से नापाक प्लान तैयार किया है। सरहद पार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हिंदुस्तान में आतंक की नई फसल तैयार करने में जुटी है। ISI ने आतंकी संगठनों को जोड़कर 2000 हाफिज वाली एक फोर्स तैयार की है, जिसे नाम दिया है गजनवी फोर्स। आखिर क्या है गीदड़ पाकिस्तान का गजनवी षड्यंत्र, देखिए इस रिपोर्ट में। कश्मीर से लेकर पंजाब तक सेना की कार्रवाई से आतंकिस्तान थर्राया हुआ है। आतंक के रक्त बीजों को पैदा होते ही हिंदुस्तान के सुरक्षा बल खत्म कर रहे हैं, लेकिन सरहद पार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हिंदुस्तान में आतंक की नई फसल तैयार करने में जुटी है। कश्मीर में आतंकियों का सफाया लगातार हो रहा है, लेकिन आतंकी रक्त बीजों की तरह पैदा हो रहे हैं। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों ने आतंक की ऐसी ही एक नापाक साजिश का खुलासा किया है। ठीक वैसी ही साजिश जो आज से एक साल पहले पुलवामा में रची गई थी, जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। खुफिया इनपुट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ISI एक बड़े हमले की फिराक में है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसा एक बड़ा हमला करने की साजिश रच रही है, जिसके लिए ISI ने अब पाकिस्तान के सभी आतंकी संगठनों को मिलाकर एक अलग संगठन बनाया है, जिसकी कमान जैश ए मोहम्मद के हाथ में है और इस संगठन का नाम गजनबी फोर्स के नाम पर रखा गया है। बीते साल 14 फरवरी को पुलवामा में CRPF के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। उस आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। अब उसी की तर्ज पर पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर में कोई बड़ा हमला करने की फिराक में है, और बताया जा रहा है इस बार भी टारगेट भारतीय सेना के जवानों को किया जा सकता है। पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आया है। आज के दिन भी उन्होंने गजनवी फोर्स, जो आतंकवादी अलग अलग संगठनों को मिला के खड़ी करी है, और जिन्होंने पूरे एक साल पहले 14 फरवरी को पुलवामा में हमला भी करवाया था, ये हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, वो उसी काम में दोबारा लग रहा है और उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो ऐसा कोई हमला दोबारा करवाए। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और अंसार गजवत और हिंद का ये नया ग्रुप कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों पर IED से हमला कर सकता है, और IED का हमला करने के लिए ये किसी गाड़ी का भी इस्तेमाल कर सकता है। इस सूचना के बाद सुरक्षा बलों को पूरी घाटी में हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और पूरी घाटी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर लिए गए हैं। जिस तरह की खबरें खुफिया एजेंसियों को मिल रही है, इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की अमन शांति को खराब करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है और हिंदुस्तान के खिलाफ नई साजिश करने में लगा हुआ है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो यही कह रही है कि वो दोबारा वैसे हमले की तैयारी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अभी हिम्मत करेगा। इतना बड़ा हमला जो पुलवामा में करवाया था, छोटे मोटे हमले शायद कराएगा जिससे वो थ्रेशहोल्ड पार ना हो और उनको ये उम्मीद रहे कि भारत इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई बड़ा हमला हुआ, जो करवा सकते हैं पाकिस्तान, उन्होंने आतंकवाद का सहारा लेना छोड़ा नहीं है, अगर बड़ा कोई हमला हो तो भारत के पास कोई चारा नहीं होगा सिवाय इसके कि वो दोबारा पाकिस्तान पर मिलिट्री कार्रवाई करें। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुलवामा हमले के बाद से ही तनाव है। पहले
पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्ट्राइक किया, जिसमें जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। बालाकोट ये स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बदले की आग में उबर रहा है। आतंकी बिलबिला रहे हैं, वो लगातार हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। सेना लगातार उनकी साजिशों को निस्तनाबूद कर रही है। फिलहाल घाटी में हाई अलर्ट है, ताकि आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।